हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा मार्मिक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माँ। माँ शब्द अपने आप में भाई बहुत ज्यादा मार्मिक है और कहानी का शीर्षक बस यही एक शब्द है, माँ। समझ गए ना? बहुत ही ज्यादा मार्मिक कहानी है। अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे तब आपको ये आभास होगा कि आखिर माँ को ममता का समुद्र क्यों कहा जाता है। ठीक है ना? माँ को ममता का समुद्र क्यों कहा जाता है, समझ गए ना? क्यों माँ जितना प्यार दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग इस कहानी में माँ के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे माँ के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी पागल बेटी के लिए खुद पागल बन जाती है। ठीक है ना? हाँ, एक ऐसे माँ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो अपनी पागल बेटी को दिन रात सेवा करती है, दिन रात सेवा करती है, लोगों के कहने पर अपनी पागल बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। और जब उसकी बेटी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है तो ये दुख उसकी माँ नहीं झेल पाती है और बेटी के साथ साथ माँ भी पागल हो जाती है। ठीक है ना? तो आज एक ऐसे ही कहानी का हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मार्मिक कहानी है, जबरदस्त कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है ना? बहुत ही बेहतरीन लगेगा और आप लोग इस कहानी को एकदम अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है हमारा हिंदी का जो वर्णिका बुक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी का हमारा ये वाला जो बुक है ना, हिंदी का जो वर्णिका बुक है उसका तीसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है माँ। ठीक है ना? तो आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और माँ के ऊपर हम कुछ चंद पंक्तियां भी आपके लिए लिख कर लाए हैं प्यारे बच्चों, ताकि हम आपको सुना सके, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्मिक है और हम उसे भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इस कहानी के लेखक कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। खैर छोड़िए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, फील करा देंगे आज, बिल्कुल फील करा देंगे, चिंता मत करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते के साथ ही हम आपको बता दें कि जो बच्चे क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन नहीं लिए हैं तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, सब लोग सुन लो खान खोल करके, आने वाला परीक्षा सेंटअप का है। ठीक है ना? सेंटअप एग्जाम आने वाला है और सेंटअप एग्जाम में हम आपके लिए कुछ तैयारियां कर सकें, सेंटअप एग्जाम में कुछ आपके लिए कर सकें, कुछ संबंधित प्रश्न हम आपके लिए गेस कर सकें या फिर कुछ भी कर सकें, उसके लिए जो कुछ भी मटेरियल होगा हम क्रैश कोर्स वाले सेक्शन में डाल देंगे। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जुड़ जाए। ठीक है ना? और अभी से लेकर के लगातार प्यारे बच्चों एग्जाम तक हम आपको भरपूर मदद कर पाएंगे। और ये क्रैश कोर्स 45 दिन का कोर्स है। ठीक है ना? ये क्रैश कोर्स 45 दिन का कोर्स है जहां पर हम आपको हरेक वैसे सवाल का जिक्र करेंगे, हरेक वैसे सवाल को बताएंगे जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैट्रिक परीक्षा में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम क्रैश कोर्स में करवाएंगे। ठीक है? अगर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो तो यहां पर देख लीजिए भाई, 81-14-53-20-21 या 92-63-99-11-25 दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करना है। ठीक है ना? फी मात्र 199 रुपया है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और माँ इस कहानी का नाम है, इस चैप्टर का नाम है माँ, इसलिए सबसे पहले माँ के ऊपर कुछ पंक्तियां प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, एकदम जबरदस्त लाइन है। मेरी तकदीर में कोई गम नहीं होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। ठीक है ना? अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता तो हमारी तकदीर में कोई गम नहीं होता। चलिए प्यारे बच्चों इन्हीं लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। आपके लिए ना कुछ हम लाइनें लिख करके लाए हैं एक पेज में। ठीक है? और ये लाइन हम आपको पढ़ करके सुनाएंगे। क्या अभी ही सुना दें? बताइए, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? चलिए भाई, अभी ही हम इस चैप्टर में पढ़ करके सुनाते हैं हम अपनी लाइनों को और आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है? आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मार्मिक लाइन है प्यारे बच्चों, सुन करके मजा आ जाएगा। कहा जाता है कि तू होती ना, ध्यान से सुनिएगा, तू होती ना तो हाथ फेरती सर पे हल्के से बाम लगाती, तू होती ना तो हाथ फेरती सर पे हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर उठाती, दिवाली पर टीके लगाकर रुपये देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा।
वो कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा और अगला कपड़ा अगली दिवाली को ही सिलेगा। बहन को सताया तो दो चाटे मारती। ध्यान से सुनिएगा, मां के ऊपर चंद पंक्तियां हैं प्यारे बच्चों। बहन को सताया तो दो चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो करके नजरें उतारती। बहन को सताया तो दो चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो करके नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती और पापा के डांट का डर दिखाती। ठीक है ना, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती और पापा के डांट का डर दिखाती। इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे ये दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुन के दरवाजे के पीछे छुप छुप करके आंसू बहा लेती। ठीक है, ये तरक्की करे इसकी दुआओं में हाथ उठाती, इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे ये दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा, ये सुनकर दरवाजे के पीछे छुपके 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 से आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ है, सब कुछ है माँ, सब कुछ है। आज तरक्की की हर वो रेखा, आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू कर जाती है, आज तरक्की की हर रेखा तेरे छू कर जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। जबरदस्त लाइन है प्यारे बच्चों, बहुत मार्मिक लाइन है, बहुत मार्मिक पंक्ति है कि आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू कर जाती है और मां हमें तेरी बहुत याद आती है। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों इन्हीं लाइनों के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस क्लास का हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त लाइन है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए इस कहानी के लिखने वाले हैं एक गुजराती कथाकार। ठीक है ना, इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है ईश्वर पेटलिकर। क्या नाम है? ईश्वर पेटलिकर। ध्यान रखिएगा, इस कहानी को लिखने वाले कथाकार का नाम है ईश्वर पेटलिकर। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो ईश्वर पेटलिकर प्यारे बच्चों इस कहानी के लिखने वाले हैं। ठीक है ना, ये ईश्वर पेटलिकर साहब हैं जो कि एक गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। कहां के हैं भाई? ये गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है ना, जिसका नाम है खून की सगाई। ये परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो जवाब होगा ईश्वर पेटलिकर साहब की। इसके अलावा इनका एक लोकप्रिय उपन्यास भी है, लोकप्रिय उपन्यास का नाम है काला पानी। क्या नाम है? काला पानी। काला पानी का सजा मत बोल दीजिएगा, सिर्फ काला पानी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो ईश्वर पेटलिकर साहब है ना, ये गुजराती के लेखक हैं, ये गुजराती कथा के कथाकार हैं, तो जाहिर सी बात है ये कहानी भी गुजराती में ही लिखा गया होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, एकदम सही बात है कि ये कहानी जो अपना माँ कहानी है ये गुजराती में ही लिखा गया था, लेकिन इसे गुजराती से हिंदी में कन्वर्ट करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर जो कि इस कहानी को गुजराती से हिंदी में करके लाए और हम लोग आज उसे पढ़ रहे हैं। अगर गुजराती में रहता तो शायद हम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि गुजराती न हमें आता है और न आपको आता है। समझ गए? तो आज हिंदी में हुआ तो हम सब लोग इस कहानी का आनंद ले रहे हैं। समझ गए ना? चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग ना पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी के बारे में कुछ बेहतरीन चीजें आपको बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा। अभी के बाद से ना कम से कम 45 मिनट तक ये कहानी चलेगा, आप लोग ना बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में प्यारे बच्चों मुख्य पात्र के रूप में है माँ। इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में माँ है और माँ की एक पागल और गूंगी बेटी है। ठीक है ना, माँ की एक बेटी भी है जो कैसी है भाई? जन्म से ही पागल है। कैसी है? जन्म से ही पागल है और कैसी है? गूंगी है। समझ गए ना, जन्म से ही पागल है और गूंगी है, जन्म से ही पागल है और वो गूंगी है। ठीक है ना, माँ की ऐसा नहीं है कि माँ की सिर्फ एक ही बेटी है। इस बेटी के अलावे, इस गूंगी और पागल बेटी के अलावे माँ के दो पुत्र भी हैं, माँ के दो पुत्र भी हैं और एक पुत्री भी है। यानी कि टोटल अगर कहा जाए तो इनकी चार संतानें थीं। ठीक है ना, टोटल अगर कहा जाए तो इनकी चार संतानें थी, टोटल चार संतानें थी जिसमें दो बेटा एक बेटी और एक बेटी मंगू थी। इसका नाम था, बेटी का नाम क्या था भाई? बेटी का नाम था मंगू। बेटी का नाम था मंगू। ठीक है, मंगू। तो मंगू जो थी ना वो जन्म से प्यारे बच्चों पागल थी और जन्म से गूंगी भी थी। ध्यान रखिएगा, मंगू जो थी वो जन्म से पागल भी थी और जन्म से गूंगी भी थी। अगर मंगू के उम्र के बारे में बातचीत किया जाए तो महज इसका उम्र 12 वर्ष के आसपास था। ठीक है ना,
अगर मंगू के उम्र का बातचीत किया जाए तो मंगू का जो उम्र था प्यारे बच्चों वह कितना बरस था? 12 बरस था, ठीक है ना, 12 बरस उम्र था। और कितना बरस था? ये 12 बरस इसका उम्र था, ठीक है, मंगू का। अब चूंकि मंगू पागल थी, जन्म से ही पागल थी, इतना ज्यादा पागल थी, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, मंगू इतना पागल थी कि वह अपने से खाना भी नहीं खा सकती थी, अपने से पेशाब भी नहीं कर सकती थी, यानी कि डेली जो उसका क्रियाक्रम होता है वो भी अपने से नहीं कर सकती थी, ठीक है ना। ये जान करके कि मंगू पागल है, कुछ गांव के लोग, कुछ लोग जो आते थे वो नसीहत देते थे उनकी माँ को कि माँ जी क्यों नहीं आप मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देती हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी सारे लोग आते थे माँ को नसीहत देते थे, सलाह देते थे कि माँ जी आप मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करा देती हैं, अस्पताल में जाती तो शायद ये ठीक हो जाती। लेकिन अस्पताल का नाम सुनते ही माँ की आंखों से झरझर आंसू निकल जाता था, ठीक है ना। अस्पताल का नाम सुनते ही माँ की आंखों से झरझर आंसू निकल जाता था। माँ कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे अस्पताल नहीं भेजेंगे। क्यों भाई? तो वो अस्पताल को जानवर का गौशाला समझती थी। वो सोचती थी कि वहां पर जो विधि व्यवस्था होता है अस्पताल में वो गौशाला के जैसा होता है, जानवरों के जैसा वहां पर लोगों को ट्रीट किया जाता है। माँ सोचती थी कि भाई ये जब पेशाब कर देती है बिछावन पे तो हम इसका बिछावन बदलते हैं, इसका कपड़ा बदलते हैं, इसको खाना खिलाते हैं, समय से खिलाते हैं, क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी सब कुछ इसके साथ करते हैं। रात में सोती है तो अपना ओढ़ना फेंक देती है तो फिर से हम इसको ओढ़ाते हैं, थोड़े ना इतना सब अस्पताल में करेगा। हम जितना माँ होकर के इसकी सेवा कर देते हैं क्या अस्पताल में कोई इतना सेवा करेगा? नहीं करेगा। तो फिर क्यों अपनी इस बेटी को हम अस्पताल में फेंकते, ठीक है। तो बहुत लोग कहता था लेकिन माँ नहीं सुनते थे, ठीक है ना, बहुत लोग कहता था लेकिन माँ नहीं सुनते थे। बेटे जो उनके जो माँ की दो बेटा था, या और जाहिर सी बात है कि दो बेटा का दो पत्नी भी होगा, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं था कि माँ का घर जो था ना वो पूरा एकदम सजा धजा था, पुत्र भी था, पुत्र वधु यानी कि बेटा भी, पुतो भी, बेटी भी थी, नाती नतनी सब था। लेकिन जब सब लोग घर आते थे तो माँ का जो प्यार है ना वो मंगू के प्रति ही ज्यादा होता था, ठीक है ना। हाँ, बेटा था, ऐसा नहीं था कि बेटे को वो नहीं मानती थी, या फिर जो उनका पोता था नहीं मानती थी, नाती नतनी को नहीं मानती थी, बेटियों को नहीं मानती थी, मानती थी सबको। लेकिन माँ का जो दिल था ना वो हमेशा इसी पागल बेटी के लिए हमेशा धड़कता था, मंगू के लिए, समझ गए, हमेशा इसी मंगू के लिए जो कि पागल थी, जन्म से ही पागल थी, उसके लिए धड़कता था, उसी के हल सदैव उसके पास रहती थी, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाती थी, हमेशा उसके लिए सोचती रहती थी, ठीक है ना। हाँ, सारे बच्चे समझ गए। अब इतना देख करके कि एक पागल लड़की को इतना ज्यादा ये प्यार करती है, ये इतना ज्यादा उसके साथ रहती है, लोग ऊब जाते थे, ठीक है ना। कोई भी उब जाएगा, अरे पागल लड़की के साथ दिन भर रहना, यार आदमी पागल हो जाएगा, तो उब जाते थे, देखने वाले सब उब जाते थे, लेकिन माँ नहीं उबती थी कभी भी, ठीक है। जितने भी देखने वाले लोग थे ना वो उब जाते थे, अरे इतना पागल लड़की हम नहीं देखे हैं भाई, समझ गए ना। वो इस कदर पागल थी कि आप खुद समझ सकते हैं कि वो जहां पर पेशाब करती थी ना उस मिट्टी को खुद अपने हाथ से कुरेदने लग जाती थी, समझ गए। लोगों को घिन आता था लेकिन माँ उसे प्यार से उठाती थी, बोलती थी, डांटती थी, ठीक है ना, और उसे फिर से कपड़े बदलवाती थी, सब कुछ करती थी। लोग उसकी माँ को यह भी नसीहत देते थे, कह रहे जितना तुम अपने बेटी को सर पर चढ़ा करके रखी हो ना, अगर गलती करे दो थप्पड़ इसको मारो ना तो अगला बार से गलती ही ना करे। लेकिन दो थप्पड़ मारे भाई माँ का हृदय फट जाएगा, समझ गए ना। अपनी बेटी को दो थप्पड़ मारे माँ का हृदय फट जाएगा, ठीक है ना। तो वो कभी कुछ नहीं करती थी, हमेशा वो कहती थी कि भाई देखो हम माँ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है जो कि यहाँ पर माँ कहती है कि जो पराई माँ होती है ना वही कान छेदती है। जैसे किसी भी लड़की का जब कान छेदाता है ना तो अपनी माँ नहीं छेदती है, क्योंकि अपनी माँ के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बेटी के शरीर में छेद करे, समझ गए। तो पराई माँ ही हमेशा कान छेदती है, अक्सर रेयर केस में अपनी माँ छेदती है। तो
तो यहां पर एक कहावत कहती है कि पराई माही कान छे देती है, कहावत भी है कि भाई दूसरी के संतान के बारे में दूसरा माँ क्या सोचेगी, उसको क्या ममता है दूसरे संतान पर, अपना संतान होता है तब ना उस पर ममता होता है, समझ गए ना। तो ये सब कुछ होते रहता था प्यारे बच्चों। उसकी माँ अपनी पागल बेटी को दिन रात अपने सीने से लगा करके रखती थी, सीने से चिपका करके लगती थी। अगर कोई कहता कि अस्पताल ले जाइए तो उसे गौशाला की उपमा देती थी। अस्पताल को किस चीज की उपमा देती थी? गौशाला की, ध्यान रखिएगा, है ना। अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। किस चीज की भाई? गौशाला की। अस्पताल को कहती थी कि तो एकदम हमारे घर के गौशाला जैसा है, समझ गए ना। वो हमेशा गौशाला को अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते थे कि भाई इतना बेकार इसको देखती है, पागल लड़की है, जन्म से ही पागल है, इसको छोड़ दो, ये मर जाएगी, तुम्हारा पिंड छूट जाएगा, तुम शांति से रह पाओगी, इसको जान मरवा दो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बहुत तरह का नसीहत देते थे, लेकिन माँ कहती थी कि देखो भाई ये मर जाती तो अच्छा रहता, ये बात हम भी मानते हैं, कम से कम इतना इसको दुख तो नहीं झेलना पड़ता, लेकिन हाँ जान करके इसको मार दें ये हमसे नहीं हो पाएगा, अगर प्राकृतिक मौत आ जाए तो वो हमें मंजूर है। माँ खुद कहती थी कि अगर प्राकृतिक तरीके से मौत आ जाए तो वो मंजूर है, लेकिन जब तक प्राकृतिक तरीके से मौत नहीं आता है इसे कोई छू भी नहीं सकता है और नहीं हम इसे कुछ होने देंगे, समझ गए, ध्यान से सुनिएगा। तो वो कुछ भी नहीं करने देती थी, ठीक है ना। और ये सब देख करके आपको पता ही है ना कि घर का जो पुतोहू होती है, पुतोहू जो होती है वो कसमसा जाती है, ठीक है ना। पुतोहू को लगता है कि अरे हमर बेटा है, उसको नहीं मानती है, हमको नहीं पूछती है, अपने बेटे को नहीं पूछती है, और हमेशा ही पागल लड़की के पीछे पागल होल रहती है, समझ गए ना। तो घर की जो पुतोहू थी, यानी कि माँ की जो पुतोहू थी ना, वो इन सब चीजों को देख करके कसमसा जाती थी, ठीक है। कभी कभी माँ के प्रति अन्याय भी कर बैठती थी, गाली दे देती थी, उल्टा सीधा कह देती थी, भला बुरा कह देती थी, लेकिन माँ सबका बात सुन करके सहन कर जाती थी अपने उस पागल बेटी के लिए, मंगू के लिए, समझ गए ना। माँ जो है वो अपनी उस पागल बेटी के लिए, मंगू के लिए सब कुछ सुनने के बाद भी सहन कर लेती थी, ठीक है। कुछ लोग ये भी सलाह दिए कि देखो इसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रख दो, नर्स के पास रहेगी, नर्स उसे सिखाएगी तो कम से कम खुद से पेशाब और सोच करने लग जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो कही कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसे अस्पताल में ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है ना, हम इसे अस्पताल में कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ये क्या करेगी, ठीक है ना, इसको दवा कौन खिलाएगा, इसका देख रेख कौन करेगा, ठीक है, इसे बाथरूम कौन लेकर के जाएगा, ये सब कुछ ना माँ सोचती थी। और माँ उसको कभी भी अस्पताल में ले जाने पर विचार नहीं करती थी। अगर कोई कहे कि हाँ इसे अस्पताल में ले जाओ तो माँ के आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाता था, ठीक है। माँ एकदम समझिए कि मंगू के लिए पागल थी, कभी किसी बाबा के पास लेकर के चली जाती, कभी कोई बाबा के कोई ज्योतिषी आते तो ज्योतिषी को दिखवाती कि ज्योतिषी महाराज जी, बाबा जी देखिए जरा ये मंगू हमारी कब ठीक होगी, ज्योतिषी भी सब इसने आता, कोई बोल देता कि अगहन को ठीक हो जाएगा, कोई बोल देता कि भाई ये फागुन को ठीक हो जाएगी, मुहूर्त बढ़िया चल रहा है, समझ गए ना। तो एक ऐसे ही एक बाबा आ गए और बोल दिए कि आने वाला जो अगहन महीना है, अगहन महीना इसके लिए श्रेष्ठ है, ठीक है ना। हाँ, समझ गए ना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी ज्योतिषी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, किसी ज्योतिषी ने कहा कि आने वाला जो अगहन महीना है ना वो इसके लिए बड़ा शुभ है, और अगहन महीना में ये संभावना है कि ये ठीक हो जाए, ठीक है। ज्योतिषी तो जो मन में आता है जो ना बोल देता है, हैं, जिसको कुछ नहीं जानता है वो ज्योतिषी बन जाता है, ठीक है ना। तो अगहन महीना इसके लिए भाई बहुत बढ़िया है, हो सकता है किस महीना में ये ठीक हो जाए। अब जब ये बात माँ सुन ली, ध्यान रखिएगा, जब ये बात माँ सुन ली कि अगहन महीना बढ़िया है, अगहन महीना में सब ठीक हो जाएगा, तो माँ जी अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजा करने लगी कि चलिए देवी देवता, सभी देवताओं को पूजा करने लगी कि हे भगवान अगहन महीना में कम से कम हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन जो जन्म से होता है ना प्यारे बच्चों, वो संभावना बहुत कम ही रहता है कि ठीक हो पाए, ठीक है। और माँ
अपने मन में बैठ करके विचार करते रहती थी, कुछ सोचते रहती थी, मंगू हमेशा मंगू के बारे में ही सोचते रहती थी कि मंगू कैसे होगी। मंगू का उम्र अब 14 वर्ष का हो गया था, ठीक है ना। मंगू का उम्र धीरे 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 करके 14 वर्ष का हो गया था। और मंगू की जो बड़ी बहन थी, यानी कि मंगू देख रहे ना, माँ की एक पुत्री भी तो थी। इस पुत्री का जो विवाह था ना प्यारे बच्चों, इसका जो विवाह था यह 14 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। यानी कि एक दूसरी जो बेटी थी ना माँ की, उसका विवाह 14 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। तो इसलिए माँ कहती है, सोचती है कि 14 वर्ष की उम्र में तो भाई दूसरी बेटी का विवाह कर दिए थे, अगर ये ठीक रहती, अगर ये अच्छी रहती तो इसका भी विवाह अब तक हो गया होता, ठीक है ना, इसका भी विवाह तय हो गया होता। और मंगू देखने में इतना सुंदर थी, कि माँ सोचती है कि अगर ये ठीक रहती मंगू तो कोई भी लड़का वाला इसे रिजेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना, देखते ही पसंद कर लेता, ठीक है। तो ये सब मंगू की माँ अपने मन में विचार कर रही है, सोच रही है कि आज ये ठीक रहती, 14 वर्ष हो गया था, बड़ी बहन की तरह इसका भी शादी ब्याह हो जाता, ठीक है ना, कोई इसे रिजेक्ट नहीं कर पाता, देखते के साथ ही लोग इसे पसंद कर लेते, इतनी सुंदर है मंगू। तो ये सब ना माँ अपने मन में विचार कर रही है, ठीक है। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके पास न तो दिमाग है और न तो जवान है, समझ गए, यानी कि गूंगी भी है और पागल भी है, ठीक है ना। बोले ही हम आपको कितना पागल है कि जहां पर पेशाब करती है उसी मिट्टी को कुरेदने लग जाती है, ठीक है ना, फिर उसे डांटो तब फिर वहां से उठती है, और जब डांटने पर उठ जाती फिर भी माँ खुश हो जाती, अरे देखिए डांटे तो वो उठ गई, वो समझ रही है कि हम डांट रहे हैं। इसे होता है ना कि किसी पागल को अगर डांट दो वो अगर उठ जाए तो हम लोग कहते हैं अरे देखो ना डांटते हैं जो समझता है भाई, देखिए डांटे तो उठ गया वहां से। तो माँ इस पर भी खुश हो जाती, अरे देखिए डांटे ना वो उठ गई, समझ गए ना। तो माँ इस पर भी बहुत खुश हो जाती कि चलिए कम से कम डांटे तो वो हमारी बातों को समझ रही है, समझ गए ना। हाँ, तो ये सब प्यारे बच्चों वो अच्छे तरीके से समझ पाती थी, ठीक है। उसी दरम्यान इधर तो मंगू पागल ही थी, माँ इसके लिए परेशान थी, सब लोग इसके लिए परेशान थे कि भाई मंगू पागल है, गांव के लोग नसीहत दे रहे थे। इसी दरम्यान गांव में एक घटना और घटता है, मंगू के गांव में ही, यानी कि माँ के गांव में ही एक घटना और घटता है। पास की ही एक लड़की है जिसका नाम है क्या, कुसुम, ठीक है ना। पास की ही एक लड़की है जिसका नाम है क्या, कुसुम, समझ गए ना। पास की ही एक लड़की है जिसका नाम है कुसुम। यह बहुत अच्छी लड़की थी, यह भी अच्छी खासी लड़की थी और बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, सबका इज्जत सत्कार करती थी। लेकिन अचानक से ये कुसुम भी पागल हो जाती है, ठीक है ना, अचानक से पागल हो जाती है और सारी हरकत तो वैसे ही करने लग जाती है जैसे मंगू करती थी, ठीक है। कुसुम भी पागल हो जाती है और मंगू की तरह उसे भी बाथरूम ये सब का ना ख्याल नहीं रहता था, ना तो पेशाब का, ना तो टट्टी का, कुछ का ख्याल नहीं रखता था, समझ गए ना। मतलब ये भी एकदम मंगू के जैसा, ये भी जो कुसुम थी ना, ये भी एकदम मंगू के जैसे ही व्यवहार करने लग गई थी, ठीक है। अब मंगू की माँ सोचती है कि भाई हमारी बेटी तो कम से कम जन्म से पागल है, ये तो अच्छी खासी लड़की पागल हो गई है और इस प्रकार का व्यवहार करने लग गई है, ठीक है ना। अगर जन्म से हमारी बेटी पागल है तो इसमें क्या आश्चर्य है, ये जब अच्छी खासी लड़की जब इस तरीके से कर सकती है, अच्छी खासी लड़की जब पागल हो सकती है, तो हमारी बेटी तो कम से कम जन्म से है ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुसुम चूंकि अभी अभी पागल हो गई थी, किसी कारणवश हो गई थी, पता नहीं क्या कारण था, इसे अस्पताल में भर्ती कराया जाने लगा, ठीक है ना, कि कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराएंगे शायद ये ठीक हो जाए, ठीक है। तो कुसुम को अस्पताल में भर्ती के लिए ले जाया जा रहा था, और जब कुसुम को अस्पताल में भर्ती के लिए लोग ले जा रहे थे, तब इधर माँ सोच रही थी कि आज अगर इसकी माँ होती, ये कुसुम की माँ नहीं थी, ठीक है ना, ये कुसुम जो लड़की थी ना इसकी माँ नहीं थी, तो इधर माँ सोच रही थी कि आज अगर कुसुम की माँ जिंदा होती तो कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराने नहीं देती, क्योंकि माँ को पता, मतलब माँ ये सोच ली थी ना कि अस्पताल में जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना, वहां पर बहुत सारे पागल और रहेंगे, मारपीट कर लेंगे, क्या करेंगे, खाना समय से देगा नहीं देगा, सब कुछ हो जाएगा, क्या होगा। तो कुसुम
के बारे में माँ अपने मन ही मन विचार करती है कि आज अगर इसकी माँ होती तो इसे अस्पताल में भर्ती कराने नहीं देती और ये भी अपने घर पर रहती, माँ के देख रेख में रहती, ठीक है ना। लेकिन खैर ये अपने मन में सोच रही थी, लेकिन जो कुसुम के घर वाले थे, जो कुसुम के घर वाले थे वो कुसुम को पागल खाने में भर्ती करा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे रांची रिटायर, सुने है ना, है कि रांची रिटायर है भाई, मतलब जो पागल होता है उसको पागल खाना रांची है, तो रांची में ले जाया जाता है, समझ गए ना। तो यहां पर ये कुसुम जो है ना उसे पागल खाने में भर्ती कराया जाता है। लगभग 2 महीने तक वो पागल खाने में रहती है। कितना महीना तक? 2 महीना। 2 महीना के बाद इस कुसुम में बहुत ज्यादा सुधार आना शुरू हो जाता है। कुसुम में बहुत हद तक सुधार आना शुरू हो जाता है और 2 महीना में वह धीरे धीरे लगभग ठीक होने के कगार पर पहुंच जाती है। फिर कहा जाता है कि 1-2 महीना और रहेगी तो पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगी। फिर 1-2 महीना और रही और कुसुम एकदम अच्छे तरीके से ठीक हो गई, यानी कि ये जो पागल हुई थी अब सही हो गई थी, ठीक है ना। अब जब कुसुम सही हो गई, जब कुसुम पागल होने के बाद पुनः सही हो गई, तो अब मंगू की मां को लोग आकर के नसीहत देने लगे कि देखिए ना कुसुम ठीक हो गई ना, अब आप भी अगर अपने बेटी को अस्पताल में भर्ती करा देते तो आपकी बेटी भी ठीक हो जाती। लेकिन आप तो भाई जिद पकड़े हुए हैं कि हम अपनी बेटी को ठीक कराएंगे ही नहीं, अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराएंगे ही नहीं। अगर आप भी अपने बेटी को अस्पताल में भर्ती करा देते तो वो भी ठीक हो जाती आज, लेकिन आप तो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग बस यही बात बोल रहे थे, उसकी माँ को नसीहत दे रहे थे, ठीक है ना। अब माँ को भी लगा कि सचमुच में ऐसा हो सकता है क्या, अगर कुसुम ठीक हो सकती है तो क्या हमारी बेटी नहीं ठीक हो सकती है। लेकिन अस्पताल में कैसा व्यवहार करेगा इस बात को जानने के लिए एक दिन माँ इसके पास जाती है, कुसुम के पास जाती है, और कुसुम के पास जा करके कुसुम से बातचीत करती है, बैठती है, अस्पताल के बारे में पूछती है कि अस्पताल में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, अस्पताल में तुम कैसे रहती थी, तुमको लोग अच्छे से रखते थे कि नहीं रखते थे, मतलब सब कुछ कुसुम से पूछती है माँ। और कुसुम कहती है कि नहीं अस्पताल एकदम बढ़िया है, वहां पर एकदम अच्छे से ख्याल रखा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से लोग देखभाल करते हैं, मतलब ये सब कुछ बताती है पॉजिटिवली तरीके से। तो माँ को भी अब एक विश्वास हो गया था कि नहीं अस्पताल एक बढ़िया जगह है, और जो पहले से उसके मन में गांठ पड़ा हुआ था ना कि अस्पताल बहुत खराब जगह है, गौशाला जैसा है, तो ये गांठ अब टूट गया था माँ के मन में से, समझ गए। अंत में जब माँ को न रहा गया तो माँ भी बोली कि चलो देखते हैं एक चांस और लेकर के, शायद मंगू ठीक हो जाए। और माँ कहती है कि ठीक है हम मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर कुसुम पागल नहीं होती तो शायद माँ कभी भी ये बात पर एग्री ही नहीं करती, मानती ही नहीं कि हम मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएंगे। लेकिन अब कुसुम जब ठीक हो गई है तो माँ को भी लगने लगा है कि हमारी मंगू भी ठीक हो जाएगी, और वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी हो जाती है। और जब राजी हो जाती है तो बड़े पुत्र को घर आने को उन्होंने पत्र लिखा, क्योंकि बड़ा बेटा बाहर में नौकरी करता था ना, तो बड़ा बेटा बाहर में नौकरी करता था तो भाई उसको पत्र लिखी माँ की, बेटा आ जाओ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएंगे, समझ गए ना, आ जाओ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएंगे, ठीक है। अब माँ का खत मिलते ही बेटा वहां से आ गया कि चलो भाई हमारी बहन है और बहन को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, शायद ठीक हो जाए। और भाई तब तक ये भी सोचते थे ना कि अरे ये पागल है, घर में रहती है, सबको परेशान करती है, क्यों ना इसे पागल खाने में रख दिया जाए, कम से कम घर पर सही से तो लोग रह पाएंगे, ठीक है ना। लोग किसी भी तरीके से ना मंगू से पिंड छुड़ाना चाहते थे, ठीक है, खास करके जो भाई ये सब था, समझ गए ना। तब ना कहा जाता है कि भाई रहे चाहे कोई रहे, माँ का ममता किसी को नहीं होता है। भाई ये सब भी सोचता था कि क्यों ना इसको पागल खाने में भर्ती करा दिया जाए, कम से कम पिंड तो छूट जाएगा हमारा, हमारे घर पर तो लोग आसानी से चैन से रह पाएंगे। तो भाई सब भी यही सोचता था। तो जैसे ही माँ का पत्र मिला कि चलो भाई मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना है, तो भाई वहां से आ गया, बेटा वहां से आ गया काम छोड़ करके कि चलो भाई भर्ती करा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मंगू बड़ी हो रही थी वैसे वैसे चूंकि माँ का भी वृद्धा अवस्था बढ़ रहा था, तो माँ जब सोई रहती थी तो कभी कभी सपने में उसकी बेटी आती थी मंगू, और कभी कभी ये भी लगता था कि अब मैं थक गई हूं, अब मैं अपने बेटी का ख्याल कितना दिन तक रख पाऊंगा,
ठीक है ना, ये सब दिन भर सोचती रहती थी कि जब मैं थक जाऊंगा तब हमारी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, तब मंगू का ख्याल कौन रखेगा, जब थक जाएंगे तब उसके बाद मंगू का देखभाल कौन करेगा, कौन इसका कपड़ा बदलेगा, कौन इसे का बिछौना बदलेगा, ये सब सोचती रहती थी। और अचानक से ना नींद में भी ये सब कभी कभी सपना में आ जाता था और एकाएक वो चौंक करके उठ जाती थी और बोलती थी कि क्या मैं थक गई हूं, क्या हमारी मंगू ठीक नहीं होगी। इस प्रकार का हरकत वो हमेशा करती रहती थी, हमेशा चौंक करके उठती रहती थी। ठीक है ना, अस्पताल में भिजवाने के लिए तो तैयार हो गई थी कुसुम को देख करके, माँ भी अस्पताल में भिजवाने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अक्सर यही सोचती रहती थी कि क्या जितना मैं फिक्र यहां पर मंगू का कर पाता हूं, क्या इतना कोई फिक्र वहां पर कर पाएगा, क्या आज हम इसका कपड़ा बदलते हैं, जैसे ही ये कपड़ा में पेशाब कर देती है कपड़ा बदलते हैं, क्या अस्पताल में इसका कोई कपड़ा बदलेगा, क्या अस्पताल में इसका जब बिछौना गीला हो जाएगा तो कोई बिछौना बदलेगा। ठीक है ना, हम बिछौना इसलिए बोल रहे हैं ना चूंकि किताब में आपका बिछौना ही है, ऐसा मत बोलिए कि बेड बदलेगा, किताब में जो भाषा है जो शब्द है वही शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुसुम के बारे में सब कुछ सोच रही है। अब ठंडी का दिन है, ठंडी का दिन में ये फैसला की है भाई कि अस्पताल में भर्ती कराना है, तो माँ ये भी सोच रही है कि अगर ठंडी का दिन है, अगर ये कपड़े में पेशाब कर देगी ये सब कुछ कर देगी तो ठंडा का दिन है भाई, इसे तो ठंडा लग जाएगा, कौन इसका कपड़ा बदलेगा, वैसे ही गीला कपड़ा पहन करके रहेगी, कम से कम गर्मी रहता तो ठीक रहता। ठीक है ना, तो माँ सोचती है कि कम से कम गर्मी रहता तो ठीक रहता, और गर्मी में इसे अगर भर्ती कराते तो अच्छा रहता। और उधर माँ अपने बेटे के बारे में भी सोचती, लगता है कि ना कि बेटा जो है ना वो इससे पिंड छुड़ाना चाहता है, तब ना चिट्ठी लिखे एकदम दौड़ करके आ गया यहाँ पर कि चलो भाई दिखा देते हैं। अगर बहन के प्रति प्यार रहता तो वो नहीं आता, लेकिन वो दौड़ करके आ गया, लगता है कि वो पिंड छुड़ाना चाहता है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि बेटा नौकरी पर से छुट्टी लेकर के आया था दिखाने के लिए, तो इसलिए अब बेटा से कहने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि बेटा गर्मी में दिखाएंगे, और नहीं तो बेटा डांट फटकार लगा देता कि जब गर्मी में दिखाना था तो हमको चिट्ठी लिख करके क्यों बुलाई भाई, हैं? अगर गर्मी में ही बुलाना था तो हमें चिट्ठी लिख करके बुलाई क्यों, नहीं बुलाती हमको, समझ गए ना। तो बेटे के डर से माँ कुछ बोल भी नहीं रही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खैर जो भी हो, धीरे 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 करके वो दिन आ गया जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना था। लेकिन जिस दिन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जाना था, उस दिन पूरी रात माँ को नींद नहीं आया, पूरी रात। जैसे अगर आज लेकर के जाना है, जैसे लेकर के जाना है मंगू को कल, तो आज रात में ना माँ सोई ही नहीं, माँ को नींद ही नहीं आया। वो रात भर यही सोच रही थी कि मंगू अस्पताल में जाएगी तो कैसा होगा, कैसे रहेगी, कैसे उसके साथ व्यवहार होगा, कैसे हम उसे छोड़ देंगे, जिंदगी भर उसे हम बचपन से लेकर के अभी तक जिंदगी भर उसे हम देखते आए हैं, अभी कैसे हम उसे छोड़ दें। ठीक है ना, तो ये सब कुछ रात भर सोच रही थी। रात भर उसकी माँ नहीं सो पाई, मंगू की माँ रात भर नहीं सो पाई। और सुबह में जब मंगू को घर से लेकर के बाहर निकला गया, सुबह में जब मंगू को घर से बाहर लेकर के निकला गया अस्पताल ले जाने के लिए, तो माँ के ऊपर मानो ब्रह्मांड का पूरा बोझ टूट गया हो, इतना वो बिहबल हो गई, समझ गए ना, माँ के ऊपर पूरे ब्रह्मांड का बोझ टूट गया हो इतना वो बिहबल हो गई। ठीक है ना, यहां पर आपके बुक में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि माँ के आंखों में सावन भादो शुरू हो गया। सावन भादों में देखते हैं ना बरसात कितना होता है, सिर्फ पानी ही पानी सब जगह दिखाई पड़ता है, तो वैसे ही माँ की आंखों में सावन भादो शुरू हो गया, मतलब माँ की आंखों से इतना पानी निकलने लगा, इतना आंसू निकलने लगा जिसका कोई अंत नहीं था, समझ गया ना। माँ यही सोच रही थी कि अब मंगू हमसे दूर जा रही है, अस्पताल जा रही है, अब पता नहीं इसके साथ कैसा व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा, खराब व्यवहार होगा, कैसा व्यवहार होगा। ठीक है, यही सोचते हुए उसका हृदय एकदम कलकला गया था, अचानक से वो ड्योढ़ी पर फिसल भी गई, गिर भी गई। ठीक है ना, वो यही सोच रही थी कि अबोध पुत्री का दुनिया में कोई नहीं है, आज सगी माँ भी इसकी नहीं हो सकी, सगी माँ भी आज है ना आज इसको छोड़ करके जा रही है। ठीक है, ये सब कुछ सोच रही थी। अंत में जब वो घर से बाहर निकली तो आंगन में धोती बस रखा हुआ था टंगने पर, तो अपना आंसू धोती में वो पोंछती हुई बाहर निकल गई। माँ अपनी आंसू धोती में पोंछती हुई
बाहर निकल गए, ठीक है, किसी भी तरीके से माँ बोली कि भाई हमें भी चलना है साथ में, बेटे को बोली कि हमें भी साथ में लेकर के चलो, हम भी अस्पताल देखेंगे कि कैसा अस्पताल है, वहां के लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे कि इसका ख्याल रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। तो माँ अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है कि बेटा हमें भी अस्पताल ले चलो, हमें भी जाना है साथ में। बेटा को लगा कि अगर माँ को नहीं ले जाएंगे तो इनको बड़ा तकलीफ होगा, दर्द होगा, और वो माँ को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और माँ को कहता है कि ठीक है माँ तू भी साथ चल, और माँ को साथ में लेकर के जाता है। मंगू को ट्रेन में बिठाया जाता है, मंगू ट्रेन में बैठ जाती है, मंगू के साथ उसके भाई हैं, उसकी माँ है, सब कोई है। अब जब चूंकि ट्रेन में मंगू बैठती है और जब अगल बगल के मुसाफिरों को पता लगता है कि मंगू पागल है, तो ट्रेन का जो लोग होता है ना वो मुफ्त का नसीहत देना शुरू कर देता है, समझ गए ना, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं बिना फीस के वकील, समझ गए ना, कहते हैं ना कि अरे बिना फीस के वकील है, ठीक है। तो ट्रेन में लोग बिना फीस के वकील बन गए, सब लोग नसीहत देना शुरू कर गए। जैसे ही जाने कि लड़की पागल है और इसको पागल खाने में लेकर के जाया जा रहा है, तो सब लोग मुफ्त का नसीहत देना शुरू कर दिए, ठीक है ना। सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई लड़की पागल है तो इसको घर में रखना चाहिए था, इसको अस्पताल क्यों भेज रहे हैं। सब लोग यही कह रहे थे कि इस लड़की का मां नहीं है क्या जो घर में इसको नहीं रखी, भेज दी इसको तो अस्पताल पागल खाने भेज रही है। माँ बगल में बैठी हुई है और माँ के बगल में उस लड़की को सब कोस रहा था कि इसकी माँ नहीं है, अरे इसकी माँ नहीं है, समझ गए ना। तो ये सब प्यारे बच्चों हो रहा था, ठीक है ना। अब माँ और ज्यादा रोने लगी, सबको लगा कि अरे भाई बताओ हम क्या गलत फैसला कर लिए क्या। माँ को लगा कि शायद हम गलत फैसला कर लिए, हमें नहीं इसमें अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए था, ठीक है। माँ को यह भी लगने लगा कि अगर बेटा साथ में नहीं होता तो अभी हम इसे यहां से वापस लेकर के चले जाते, हमें नहीं भर्ती कराना मंगू को अस्पताल में। मतलब जब सब लोग ट्रेन में बोल रहा था ना तो माँ को थोड़ा सा अंदर से बड़ा दुख हो रहा था और माँ सोच रही थी कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं इस अस्पताल में भर्ती कर करके। तो ये सब ना कुछ माँ सोच रही थी, ठीक है। अंततः ट्रेन पहुंच गया भाई, अस्पताल पहुंच गया और वहां मंगू भी अस्पताल पहुंच गई, सब लोग अस्पताल पहुंच गए। मंगू जब अस्पताल पहुंची और मंगू की माँ जब देखी अस्पताल में कि एक नर्स है जो किसी एक पागल का मुंह पोंछ रही है रुमाल से, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से सब पागलों का ध्यान रख रही है, क्योंकि पागल खाने में तो सब पागल ही होते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जब देखी तो माँ को विश्वास हो गया कि नहीं भाई लगता है कि पागल खाने में भी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना, पागल खाने में अच्छे तरीके से फिक्र किया जाएगा हमारी बेटी मंगू का, ठीक है। फिर भी माँ को संतोष नहीं हो रहा था, ठीक है ना, फिर भी माँ को संतोष नहीं हो रहा था। वहां पर एक नर्स थी, वो नर्स से माँ बोलती है कि हमारी बेटी का ध्यान अच्छे से रख पाइएगा ना, हमारी बेटी का ख्याल अच्छे से रख पाइएगा ना, ये पागल है, ये कुछ भी नहीं करती है, जन्म से ही पागल है, तो अच्छा से ध्यान रखिएगा कि नहीं रखिएगा। तो मेट्रन यानी कि जो नर्स है वो बोलती है कि माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है ना, हम इसके लिए हैं और आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। तब माँ बीच में ही बोल पड़ती है कि कैसे न चिंता करें भाई, कैसे न चिंता करें, यही एक, एक, एक ये एकदम पागल है, हम इसे जन्म से देखते हैं, इसको बैठ करके खिलाते हैं, ये खुद से खाती भी नहीं है, खुद से बाथरूम तक नहीं जाती है, ठीक है ना, अपने कपड़े तक खुद से नहीं बदलती है, कैसे इसकी चिंता हम ना करें, ठीक है ना। हाँ अरे पागल खाना या अस्पताल दोनों एक ही बात हुआ भाई, पागलों का अस्पताल पागल खाना, ठीक है ना, तो अस्पताल कह लें या पागल खाना कह लें, बात तो एक ही हुआ ना, ध्यान रखिएगा। तो माँ को बड़ा चिंता हो रही थी और माँ बार बार नर्स से बोल रही थी, कुछ कभी कुछ पूछ लेती नर्स से कि चिंता खाना खिला दीजिएगा ना समय पर, कभी माँ जाकर के नसीहत दे देती कि देखिए इसको दूध रोटी खिलाइएगा, दाल रोटी खिलाइएगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाती है, सुबह में दूध रोटी खिलाइएगा, शाम में दाल रोटी खिलाइएगा, इस प्रकार से ना वो जाकर के नसीहत देते रहती थी। हमेशा जाकर के पूछती थी कि अगर ये पेशाब कर देगी तो इसका आप कपड़ा बदल दीजिएगा ना, ये कपड़ा बदल दीजिएगा, ये रात में ओढ़ना भी फेंक देती है, इसको पुनः ओढ़ाना पड़ता है। तो ये सब ना माँ जाकर के नसीहत दे रही थी नर्स को, ताकि नर्स अच्छा तरीका से देखभाल कर सके, समझ गए। अंत में माँ पूछती है कि भाई मंगू को रखेंगे कहाँ, जरा वो कमरा हमें दिखाइए।
मंगू को जो तो जो एक नर्स थी वो बोली कि उस कमरे की तरफ रहेंगी। तो माँ एकदम झांक करके उस कमरे को देख रही थी कि भाई उस कमरा कैसा है, वो कमरा में लाइट है, अंधेरा है, क्या है, वहां बेड लगा हुआ है, तकिया लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माँ देखने का प्रयास कर रही थी। उस कमरे का आधा दरवाजा खुला हुआ था, आधा दरवाजा बंद था, अंदर में अंधेरा था, माँ को कुछ पता नहीं चल रहा था कि अंदर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन माँ को सभी नर्स और जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब मिलकर के माँ को संतावना दे रहे थे कि देखिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आज के बाद आप इसकी माँ थे, आज तक आप इसकी माँ थे, सोच लीजिए कि आज के बाद इसकी माँ हम हैं, ठीक है ना। जो डॉक्टर्स थे वो बोल रहे थे कि समझ लीजिए कि इसका भाई हम हैं, इसको एकदम भाई के जैसा सेवा करेंगे, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। मतलब सभी डॉक्टर्स नर्स ये सब मिल करके माँ को संतावना देने में लगे हुए थे, और माँ के आंखों से हमेशा सावन भादो शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, यानी कि माँ के आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था, ठीक है। किसी तरीके से पिंड छूटा, मंगू को पकड़ करके लोग अंदर ले गए, जो डॉक्टर्स थे वो उस दरवाजे के अंदर ले गए, जो दरवाजा अंदर से अंधेरा था, आधा दरवाजा लगा था, आधा दरवाजा खुला था, ठीक है ना। जैसे ही मंगू को उस दरवाजे के अंदर ले गए, माँ का कलेजा कांप गया, ठीक है। जैसे ही उस दरवाजे के अंदर मंगू को ले गए, माँ का कलेजा कांप गया, ठीक है। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, वो बोली कि भाई हमें इससे दूर मत करो, ठीक है ना, हमें भी यहीं रहने दो, इस प्रकार से करके वो कुछ ना कुछ बोलने लगी, ठीक है। फिर सब डॉक्टर आया और बोला कि बेटी को अस्पताल में आप नहीं छोड़ करके जा रहे हैं, समझिए कि बेटे के घर छोड़ करके जा रहे हैं, हम इसको अपनी बहन के जैसा देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। फिर भी माँ बार बार एक ही बात बोल रही थी कि देखिए वह रूखी रोटियां नहीं खाती है, उसको रूखा सूखा मत खिलाइएगा, उसको दूध रोटी खिलाइएगा शाम में, और दूध अगर दूध रोटी ना खाए तो दाल रोटी खिलाइएगा, ऐसा नहीं कि उसको ना अगर ना खाए तो उसको भूखे छोड़ दीजिएगा, सूखा रूखा खिला दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। मतलब बार बार माँ जो है ना वो रिक्वेस्ट कर रही थी, ठीक है। माँ बार बार विनती कर रही थी कि भाई देखिए हमको रूम दिखा दीजिए जहां पर मंगू को रखिएगा, कम से कम अंदर में हम भी चल करके देखें। लेकिन जो नर्स वगैरह थी वो बोली कि नहीं माँ जी, अंदर जाने का अलाउ आपको नहीं है, ठीक है ना, आप बाहर से ही देख लीजिए, अंदर में सिर्फ मरीज ही जाते हैं, आप नहीं जा सकते हैं। माँ को अपने मन में लगा कि क्यों भाई अंदर नहीं लेकर के जा रहा है हमें, कुछ अंदर में ऐसा चीज होगा जो हमें देख करके खराब लगेगा और इसलिए वो हमें अंदर नहीं लेकर के जा रहे हैं। अपने मन में माँ हमेशा कुछ ना कुछ विचार कर रही थी, ठीक है। फिर खैर जो भी हो, मंगू को तो अंदर लेकर के लोग चल ही गए थे, माँ रो ही रही थी। किसी तरीके से बेटे इस समय माँ को पकड़ करके घर लेकर के आए। रात में 10:45 माँ घर पहुंचती, ठीक है ना, बेटे के साथ। रात में 10:45 बेटे के साथ माँ घर पहुंचती है, ठीक है ना, बेटे के साथ माँ घर पहुंचती है। और जब घर पहुंचती है तो देखें कि अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी जो कुटुंब वगैरह हैं सब कोई जाग रहे हैं, सब कोई यही देख रहे थे, ठीक है ना, कि हाँ भाई मंगू को अस्पताल में छोड़ करके आ गई है, ठीक है। ठंड का महीना था, माँ घर पर तो आ गई लेकिन उसे फिक्र अभी भी सता रहा था कि क्या लोग उसे ओढ़ना ओढ़ाया होगा, अरे इतना ठंड है, पता नहीं मंगू को ओढ़ाया भी कि नहीं ओढ़ाया, मंगू शायद पेशाब कर दी होगी तो गीला कपड़ा बदला कि नहीं बदला, ठीक है ना, उसका फ्राक उसका बिछौना बदला होगा कि नहीं बदला होगा। मतलब माँ हमेशा चिंता में थी, ठीक है ना, उसका बिछौना बदला कि नहीं बदला, फ्रॉक बदला कि नहीं बदला, उसे ठंडा है उसको रजाई ओढ़ाया कि नहीं ओढ़ाया, ठीक है ना। तो ये सब लगातार माँ सोच रही थी, ठीक है, हमेशा वो यही सोच रही थी कि भाई उसको हम कैसी माँ हैं कि उसे हम अस्पताल में छोड़ करके चले आए हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब हमेशा माँ यही सोच रही थी कि हम कैसी माँ हैं उसे हम अस्पताल में छोड़ करके आ गए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, ये सब लगातार माँ सोच रही थी, ठीक है ना। अब बेटा यानी कि जो माँ का लड़का था, माँ का जो पुत्र था, उसे देख करके नहीं रहा गया। वो सोचा कि चलो भाई मंगू पागल है, माँ इतनी इसके लिए पागल है, अगर मंगू एक बार ठीक हो जाए तो उसे हम जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे, अच्छे तरीके से धूमधाम से उसका शादी ब्याह करेंगे, अगर ठीक नहीं भी हुई फिर भी उसका हम सेवा करेंगे, इतनी मासूम है मंगू, ठीक है ना। तो बेटा को भी अब धीरे धीरे ममता आ गया था और बेटा भी सोचने लगा था कि नहीं अब माँ की तरह हम भी उसका सेवा करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े अब हम अपनी बहन का सेवा करेंगे, ये सब ना सब सोच रहे थे, ठीक है ना।
खैर पौने 11 बजे रात में पहुंचे थे, रात ज्यादा हो रहा था। सभी लोग कहे कि चलो भाई सोने के लिए जागे हुए हैं, दिन भर का थके हुए हैं, सब लोग चले गए सोने के लिए। ठीक है, पौने 11 बजे रात में पहुंचे थे, लगभग 11-12 बजते बजते तक सब सोने के लिए चले गए, सब कोई चल गए सोने के लिए, माँ भी चल गई सोने के लिए, लेकिन माँ को भला कहाँ नींद आए। पता नहीं रात में माँ के सपने में क्या आया, पता नहीं माँ क्या सपना देख रही थी। जैसे ही सुबह हुआ भी नहीं था, हल्का फल्का साफ हुआ था, माँ अचानक से चिल्लाई, सोई थी, सपना में कुछ आया होगा, माँ अचानक से बहुत जोर से चिल्लाई, चिल्ला करके बोलती है दौड़ो रे दौड़ो। क्या बोलती है माँ? बहुत जोर से चिल्लाई और बोली दौड़ो रे दौड़ो, दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। ठीक है ना, बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। शायद उसे सपने में कुछ आया होगा, ठीक है ना, शायद उसे सपने में कुछ आया हो, सपने में शायद वो कुछ देखी हो कि मंगू को कोई मार रहा है, मंगू की मौत हो गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है ना, सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी, समझ रही थी, क्या अपने मन में सोच विचार रही थी। अचानक से वो यही बात बोलती है कि दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। ठीक है ना, सब लोग दौड़ पड़े भाई कि माँ चीख रही है, माँ चिल्ला रही है। उसका बेटा दौड़ पड़ा, अगल बगल के पड़ोसी दौड़ पड़े, सब लोग दौड़ पड़े, सब लोग गांव के लोग इकट्ठे हो गए कि आखिर क्या हुआ भाई क्या हुआ। अंत में जब सब लोग आए, जब देखे, पता है क्या रिजल्ट आया? अब माँ जी भी मंगू के श्रेणी में मिल गई थी, माँ जी भी अब मंगू के श्रेणी में मिल गई थी, यानी कि माँ भी पागल हो गई। ठीक है ना, माँ भी पागल हो गई, मंगू की तरह ही माँ भी पागल हो गई। मतलब मंगू का इतना ज्यादा उसका प्रेशर पड़ा, मंगू को जो अस्पताल में छोड़ करके आई ना, इससे नहीं सहा गया और ये पागल हो गई। जब हम प्यारे बच्चों इस कहानी को पढ़ रहे थे ना, तो ये लास्ट वाला जो पंक्ति है ना, हमें भी झकझोर करके रख दिया कि माँ भी मंगू के श्रेणी में मिल गई, यानी कि माँ भी पागल हो गई। और जब ये लाइन पढ़े तब पता चला सचमुच में भाई क्यों माँ को ममता का समुद्र कहा जाता है। ठीक है ना, क्यों माँ जितना प्यार कोई नहीं कर सकता है। एक पागल बेटी के लिए एक अच्छी माँ भी पागल बन जाती है। ठीक है ना, तो ये है कहानी पूरा, समझ गए ना, ये है पूरा कहानी। ठीक है, यही इस कहानी का सारांश है प्यारे बच्चों, यही कहानी है जिसका नाम है माँ, समझ गए ना। तो ये कहानी है, अंत में माँ भी पागल हो जाती है और इसके बाद कहानी समाप्त हो जाता है। तो इस पर पेटलिकर साहब हैं, वो उस कहानी का अंत यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, बड़ा दुखद कहानी है, बड़ा मार्मिक कहानी है, भावुक कहानी है, यही कह सकते हैं। तो बड़े जबरदस्त तरीके से चित्रण किया गया है प्यारे बच्चों इस कहानी में। ठीक है ना, समझ गए सारे बच्चे। तो कुल मिलाकर के ये कहानी आपका समाप्त हो गया। अब इस कहानी के कुछ प्रश्न हैं, ठीक है ना, कुछ प्रश्न हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, उसे प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यह एक रियल स्टोरी है, बिल्कुल यह एक रियल स्टोरी है। ठीक है ना, गुजरात का यह एक वास्तविक कहानी है, ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत कहानी है और बना करके लिखा गया है, यह एक रियल कहानी है। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ड्योढ़ी क्या होता है? अरे जो बाहरी घर का दरवाजा होता है, जहां से आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो बाहरी घर का जो दरवाजा होता है, जो चौखट होता है ना, उस जगह का एरिया को ड्योढ़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे लिखें। ठीक है ना, टोटल 5-6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है वही परीक्षा में पूछे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको वो भी ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, सिर्फ किताब वाला ही क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। ये आपके कहानी के क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन देखिए परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो लिखेंगे माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलिकर है। माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलिकर है और वे गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है ना, माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलिकर है और वे गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, पहला का तो आंसर हो गया। दूसरा है
कि मां मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई। अंतिम में हम आपको बताया ना कि मां भी मंगू की श्रेणी में मिल गई, यानी कि मां भी पागल हो गई। कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है लिखें, यानी कि कहानी का अंत कैसा है इसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग कि मां अपनी पुत्री मंगू से बहुत स्नेह करती है, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया तब उसकी देखभाल के लिए मां की चिंता इतनी बढ़ गई कि वो स्वयं भी मंगू की श्रेणी में मिल गई। कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत बहुत ही दुखद है और प्रेरणादायी है, यानी कि कहानी का जो अंत है वो बहुत ही दुखद है और प्रेरणादायी भी है, प्रेरणा भी मिलती है। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति मां और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। कहा गया है कि मंगू के प्रति मां का और परिवार के अन्य सदस्य का जो बीच का जो ममता है वो इसमें क्या फर्क है, यानी कि एक मां ममता करती थी अपने बेटी पर, एक परिवार के अन्य सदस्य ममता करते थे, देखभाल करते थे, दोनों में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि मंगू के प्रति मां और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में क्या फर्क था। तो लिखेंगे कि मंगू एक गूंगी और पगली लड़की है, मंगू एक गूंगी और पागल लड़की है, उसकी मां सब प्रकार से उसकी सेवा करती थी, परंतु परिवार के अन्य सदस्य उसके प्रति संवेदनशील नहीं थे। ठीक है ना, मां तो भाई सेवा करती थी, दिन रात करती थी, लेकिन परिवार के जो अन्य बाकी सदस्य थे वो देखभाल नहीं करते थे। मंगू के भाई कुछ भी ख्याल उसका नहीं करते थे, वो अपनी स्त्रियों को खुश रखने में लगे रहते थे। ठीक है ना, भाई बहन का देखभाल कौन करे, सब लोग अपनी पत्नी को खुश करने में लगे हुए रहते थे। भौजाइयां माँ के सद्भावनापूर्ण व्यवहार पर कसमसा जाती थी। अभी हम आपको क्या बोले, जब माँ इतना ज्यादा देखभाल करती थी मंगू का, तो जो उनकी पुतोहूत सब थी वो कसमसा जाती थी, गुस्से में आ जाती थी। ठीक है ना, और कभी कभी माँ के प्रति अन्याय भी कर देती थी, लेकिन माँ हमेशा उसे छाती से अलग नहीं करती थी, यानी कि माँ हमेशा उसे अपने छाती में चिपका करके रखती थी। ये देख करके बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय भी कर बैठती थी, एक पागल संतान की सेवा उसके माता पिता ही कर सकते हैं। यहाँ माँ की ममता संपूर्ण रूप से मंगू पर ही न्योछावर था। ठीक है ना, तो माँ का ममता और परिवार के अन्य सदस्य का ममता, दोनों में तो फर्क आ ही जाएगा ना, बताइए, दोनों में तो फर्क आ जाएगा, और वही फर्क के बारे में यहां पर लिखना था। अच्छा, अब यहां पर प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान देखना या एक बात आपको ध्यान देना है कि इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है। तो मुख्य पात्र है मां, ठीक है ना, या फिर मुख्य पात्र में मंगू भी आ सकती है, लेकिन यहां पर मुख्य पात्र उसको कहा जाता है जो कि इस कहानी के लिए एक तरीके से अभिनेता साबित हो, समझ गए ना। जैसे कहानी में जैसे कोई फिल्म में हीरो कौन होता है, जो एकदम सब कुछ बाजी मार लेता है, उसी तरीके से इस चैप्टर में माँ है जो अपने और सबको, मतलब पूरा चैप्टर ही माँ के ऊपर है समझ लीजिए। तो इसलिए कहानी का जो मुख्य पात्र है वो माँ है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, आपको बताया ना कि माँ हमेशा डरती थी कि अस्पताल गौशाला का जैसा होता है, वहां पर कोई देखभाल नहीं करेगा, कोई ये सब नहीं करेगा, मतलब कोई सेवा नहीं करेगा, तो इसलिए वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो लिखेंगे माँ को ममता का समुद्र कहा जाता है, अतः माँ की ममता मंगू के लिए बाकी परिवार के अन्य सदस्यों से अलग और ज्यादा थी। माँ अस्पताल को गाय के गौशाला के जैसा समझती थी, माँ समझती थी कि अस्पताल में कौन उसके ठीक प्रकार से देखभाल करेगा, कौन उसे भोजन कराएगा, कौन उसे अपने साथ सुलाएगा और कौन उसके पेशाब से भींगे बिस्तर को बदलेगा। पागल खाने में तो एक से एक पागल होते हैं, उससे रक्षा कौन कर सकेगा। इन्हीं कारणों से माँ जो थी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। ठीक है ना, हाँ, तो ये बात प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति मां, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं, कुसुम के पागलपन में सुधार को देखकर मंगू के प्रति मां, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग कि कुसुम शहर में रहने वाली एक लड़की थी, वह भी पागल हो गई थी। कुसुम जो थी वो शहर में रहने वाली एक लड़की थी, लेकिन वह भी पागल हो गई थी। अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया गया, उसकी देखरेख एवं दवा दारू अस्पताल में संतोषजनक ढंग तरीके से हुई, यानी कि जब कुसुम को देखी कि भाई उसका दवा दारू सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से किया गया और वह ठीक हो गई,
इसे देख करके मंगू के प्रति मां परिवार और समाज की राय मंगू के अस्पताल में भर्ती कराने की हो गई। मां ने उसे अस्पताल भेजने का निर्णय लिया, पुत्र ने भी साथ निभाया और पड़ोस की स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़ करके आगे किया। दूसरी स्त्रियों ने भी मां जी को सहारा दिया और अंततः मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है ना। मंगू के पापा कहां हैं? देखिए, मंगू के पिताजी के बारे में इस कहानी में जिक्र ही नहीं जिक्र ही कहीं पर नहीं है। उसके पिताजी थे कि नहीं थे, लेकिन कहानी को पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि उसके पिताजी नहीं रहे होंगे, तभी इतना दुख हुआ। समझ गए ना, कहानी को पढ़ करके यही लगता है कि मंगू के पिताजी नहीं थे। ठीक है ना, ध्यान रखिए, हालांकि कहानी में जिक्र कहीं नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें कि कहानी का जो शीर्षक है मां, क्या ये कहानी का शीर्षक सही है? कहानी का जो शीर्षक है मां, क्या ये कहानी का शीर्षक सही है? ये विचार करना है। तो लिखेंगे, किसी भी कहानी का शीर्षक उस कहानी का केंद्र होता है जिसके आसपास कहानी घूमती रहती है। समस्त मातृत्व का बोझ सहने वाली माँ जी इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो जन्म से पागल और गूंगी लड़की की सेवा तनमन से करती है। जन्मदाता होने का फर्ज वह खूब ईमानदारी से पालन करती है। ममता की मूर्ति माँ स्वयं अपने सुख को भूल करके पुत्री के लिए समर्पित हो गई है। घर में बेटी बेटे बहू पोती पोतियों सब लोग हैं, फिर भी माँ जी पागल बेटी के लिए स्वयं पागल हो गई है। अतः कहानी का जो शीर्षक है एकदम सार्थक है। कहानी का शीर्षक माँ ही होना चाहिए था, इसके अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला कहानी है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर है सातवां, कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील हैं? विचार करें। ठीक है ना, यानी कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है उसके जो सब कर्मचारी हैं वो कैसे हैं? ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील हैं। अस्पताल कर्मियों का काम मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार करना और सेवा करना होता है। अस्पताल कर्मी क्या करता है? मरीजों का अच्छा से देखभाल करे, सेवा करे तो बड़ी बात है, किंतु इस अस्पताल के कर्मी व्यवहार कुशल ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी हैं। अस्पताल में अनेक मरीज आते हैं, उन्हें परिजनों से क्या लेना देना, मंगू उनका मरीज अवश्य है किंतु माँ की ममत्व से वे प्रभावित हो जाते हैं। वे माँ जी को आश्वस्त करके घर भेजना चाहते हैं कि उनकी बेटी को कोई कष्ट नहीं हो। ठीक है ना, यानी कि अस्पताल के जितने भी कर्मी हैं वो माँ को यह आश्वस्त करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उनकी बेटी को हम कभी भी दुख नहीं होने दें। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, यानी कि इस कहानी को शॉर्टकट तरीके में लिखना है। समझ गए ना, अपने शब्द में एकदम शॉर्टकट तरीके से 10-15 लाइन में लिख देना है। समझ गए, तो इस कहानी का सारांश अब हम समझते हैं कि आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं। क्या इस कहानी का सारांश आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं? हालांकि यहां पर हम लिख दिए हैं प्यारे बच्चों, डेढ़ स्लाइड में हमारा तो हो गया है, एक स्लाइड इधर है इधर है, हम शॉर्टकट में इसका पूरा लिख दिए हैं। तो ये कहानी का सारांश तो कोई बताने का चीज नहीं है, इसे हम नोट्स में दे देंगे, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। और कहानी का सारांश तो याद करने का भी चीज नहीं है, बस पूरा कविता पूरा कहानी आपको याद हो गया है, अब खुद से आप लोग इसे लिख सकते हैं। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। माँ का नाम भी यहां पर जिक्र नहीं किया गया है, भाई जो चीज जिक्र किया गया है हम सब आपको बता दिए। ठीक है ना, सारे बच्चे समझ गए। तो ये था टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो हम आपको पूरा बता दिए, कहानी का सारांश हम आपको दे देंगे नोट्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको प्यारे बच्चों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा ही देते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगे हाथ करवा ही देते हैं। कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, किनके द्वारा ये कहानी लिखा गया है, जल्दी जल्दी से बताइए। माँ कहानी जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, भाई फटाफट से बता दीजिए। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है ना, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा ना, जवाब क्या होगा, ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक मंगू, 2 पुत्र और एक और पुत्री। ठीक है ना, तो मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी जल्दी से, फटाफट से बताइए, मंगू के अस्पताल मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी।
मंगू के अलावा, देखिए मंगू के माँ की कुल 4 संतानें थी, लेकिन मंगू के अलावा, तो मंगू के अलावा कुल 3 संतानें थी, ठीक है ना, मंगू के अलावा कुल 3 संतानें थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला कहानी है, चौथा अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है प्यारे बच्चों। तो माँ कहानी का अगर मुख्य पात्र के बारे में बात किया जाए तो एक तो माँ है, ठीक है ना, लेकिन माँ तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, मंगू हो जाएगा, मुख्य पात्र मंगू है, मंगू के पीछे ही पूरा कहानी घूम रहा है, समझ गए ना, तो मंगू हो जाएगा। चलिए अगला है, मंगू जन्म से क्या थी, पागल थी कि गूंगी थी कि अंधी थी कि ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पागल भी थी और गूंगी भी थी, ठीक है ना, तो पांचवा का जवाब होगा ए और बी दोनों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, छठा नंबर क्वेश्चन, कि मंगू के कितने भाई थे, मंगू के 2 भाई थे, ठीक है ना, मंगू के कितने भाई थे, मंगू के 2 भाई थे, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है, पराई माँ ही, आपको हम अभी बताया ना, पराई माँ ही कान छेदती है, यह एक मुहावरा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एक मुहावरा है या फिर एक कहावत भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना, मुहावरा से ज्यादा अच्छा रहेगा कहावत, कि यह एक कहावत है, ठीक है ना, कहावत है। चलिए अगला है आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, किसने कहा था ये बात, ज्योतिषी ने कहा था ना कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, ये बात ज्योतिष ने कहा था, आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है भाई, ध्यान से जरा देखिए, नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था, माँ के लिए कौन सा देव, जब ज्योतिष आकर के कह दिया कि अगहन में ठीक हो जाएगी, तो माँ के लिए अगहन महीना जो है ना वो आराध्य देव बन गया था, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब होगा, नौवां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, मंगू की बड़ी बहन का नाम, हालांकि हम आपको इस कहानी में तो नहीं बताए मंगू की बड़ी बहन का नाम, लेकिन बड़ी बहन का नाम ध्यान रखिएगा, उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था, देखिए बड़ी बहन का नाम था, क्या नाम था, मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू, ठीक है ना, मंगू की बड़ी बहन का नाम था, ध्यान रखिएगा, कम्मू, ठीक है। हाँ चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कन्या विद्यालय से पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था क्या, कुसुम ना पागल हो गई थी, तो 11 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कि माँ कहानी किस भाषा से अनूदित कहानी है, माँ कहानी किस भाषा से अनूदित कहानी है, तो ये गुजराती भाषा से अनूदित कहानी है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। एक एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद से दे रहे होंगे, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, वो कहती थी ना कि अस्पताल जो है वो गौशाला के जैसा है, तो वो गौशाला की उपमा देती थी। अगला है 14 नंबर, 14 नंबर कह रहा है कि ईश्वर पिटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं या फिर लेखक हैं, तो वो गुजराती भाषा के लेखक या कथाकार हैं, ध्यान रखिए। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्यारे बच्चों, कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे, 15 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये कुल 15 क्वेश्चन था, जिसे हमें लगता है कि 15 में 15 हो आपका सही हुआ होगा, और ये प्यारे बच्चों तीसरा नंबर चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना, तीसरा नंबर चैप्टर भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वर्णिका में अब सिर्फ 2 चैप्टर और बचा है, ठीक है, हाँ, एक है नगर और एक है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना, 2 चैप्टर बचा है, 2 दिन में हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका हिंदी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, बाकी 2 चैप्टर जो शुरुआत का है, दही वाली मगम्मा और ढहते विश्वास, दोनों का नोट्स हम ऑलरेडी टॉपर बैच वाले सेक्शन में डाल दिए हैं, वहां से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा एक बार बात बता दें, अंग्रेजी का नोट्स प्यारे बच्चों अब हम आपको आने वाले 2 से 3 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है ना, अंग्रेजी का नोट्स, 1 चैप्टर का नोट्स हम रात में बना लिए थे, तो अंग्रेजी का आज 1 या 2 चैप्टर का नोट्स हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, 1 या 2 चैप्टर का नोट्स आज हम अपलोड कर देंगे अंग्रेजी का, ठीक है। और अभी जो 8:15 बजे से अंग्रेजी का क्लास चलता था, वो आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए आज शाम में 5 बजे से होगा, ठीक है ना, सिर्फ आज के लिए शाम में 5 बजे से, याद रखिएगा, सिर्फ आज के लिए ये क्लास शाम में 5 बजे से होगा, ध्यान रखिए, ओके। चलिए
हाँ जी सिर्फ 5 बजे से होगा। और दूसरी बात, ये जो क्लास है प्यारे बच्चों, ये क्लास जो अंग्रेजी का होगा ना, आज से एप्लीकेशन पर चलेगा, यानी कि ऐप पे चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाकी चैप्टर्स को एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया जाएगा और ये कहानी आज से एप्लीकेशन पे चलेगा, ठीक है। नोट्स हम डेली कुछ ना कुछ बना रहे हैं और आप लोग को देते भी जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी प्यारे बच्चों आपको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरा नोट्स प्रोवाइड करवा दें, चिंता मत करिए उस, ठीक है। चलिए तो 15 में 15 हो, सही हुआ ना, यस। तो चलिए प्यारे बच्चों, आवाज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए, बाकी फिर 9 बजे वाला क्लास में हम आपसे मिलते हैं। कितना बजे वाला क्लास में? 9 बजे वाला जो क्लास है उसमें मिलते हैं। और संस्कृत का जो स्वामी दयानंद वाला चैप्टर है उसका पूरा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों 9 बजे वाला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते ना आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चैप्टर, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा, पढ़ करके कैसा समझ में आया, सब कुछ आप लोग हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, धन्यवाद।